में महंगाई आसमान छू रही है। जहां एक ओर खुदरा महंगाई 8 साल के शिखर पर पहुंच गई, जबकि थोक महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए शिखर पर पहुंच चुकी है। इसे काबू में करने के लिए पीएम मोदी लगातार कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनकी इस राह में टमाटर बड़ा रोड़ा बन सकता है। टमाटर के लगातार बढ़ते भाव अब सरकार के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्याज समेत अन्य सब्जियों का भारत की राजनीति में उथल पथल लाने के लिए कई बार अहम योगदान रहा है। सब्जियों का देश में सरकारों को गिराने का एक असामान्य इतिहास है, और भारत में टमाटर की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं उसने राजनेताओं को परेशानी में डाल दिया है। बता दें कि टमाटर, आलू और प्याज ऐसी सब्जियां हैं जो कि हर रोज रसोई में इस्तेमाल होती हैं, और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी सीधे रसोई के माध्यम से आम आदमी को प्रभावित करती हैं। खाद्य मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को देखें तो भारत में टमाटर का औसत खुदरा मूल्य 1 महीने पहले 70% और 1 साल पहले की तुलना में 68% तक बढ़कर मंगलवार तक 53.75 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई है। भारत में खाना पकाने के तेल से लेकर गेहूं के आटे तक हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे अप्रैल में मुद्रास्फीति 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई और घरेलू बजट बुरी तरह बिगड़ गया। हालांकि सरकार ने आनन फानन में बड़ा कदम उठाते हुए गेहूं और चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। वहीं अब एक रिपोर्ट में ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं कि नींबू प्याज के बाद अब टमाटर की कीमतों में लगी आग कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।